वेलकम टू माय चैनल लाडाहोलिक व्लॉग्स। तो आज का वीडियो में बस इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो है, सिनेमैटिक्स कुछ नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, चेन क्लीनिंग का। एक नंबर चेन क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो अभी गाड़ी तो धुला लिया मैंने, गाड़ी चेन क्लीन कर रहे हो आप अगर लोग, तो पहले गाड़ी धुलाओ फिर बाद में चेन क्लीन करो। चेन क्लीन करके गाड़ी धोगे वो पानी लगा के, फिर आपका जो चेन लूप है वो निकल जाएगा। अब आप देखो चेन प्रॉपर चेन क्लीनिंग कैसे करते हैं। पहला क्या है, चेन लूप लगाने का, फिर एक 10 मिनट वैसे ही चलने देने का, फिर कपड़े से साफ़ करो, ड्राई करो पूरा चेन को, फिर लूप लगाओ, डन। एक 5-10 मिनट चालू रखो, काम ख़त्म हो जाएगा। देखो MC2 चेन लूप है और MC1 चेन क्लीनर। तो पहले चेन क्लीनर लगाने का मैं बताता हूँ आपको। पहले गाड़ी चालू करो, गियर पे डालो, थोड़ा घूमेगा फिर आप लगाना स्टार्ट कर दो। बस उसको अभी 1-2 मिनट चालू रखो, थोड़ा घूमेगा, 1-2 मिनट, 10-20 सेकंड कितना भी रखो। तो अभी चेन क्लीन तो लगा दिया मैंने, अभी इसको क्या है ऐसे ही कांस्टेंट एक 5-10 मिनट छोड़ने का, तो उसका पूरा जो कचरा धूल मिट्टी कुछ भी है निकलेगा बाहर, निकल रहा है दिखाता हूँ, निकलेगा अभी 5-10 मिनट में। फिर उसको कपड़े से अच्छे से साफ़ करने का ड्राई होने तक। ड्राई होने के बाद फिर 1-2 मिनट के बाद चेन लूप मारो, दबा के भी नहीं, मीडियम मारने का। चेन लूप मारने के बाद 1-2 मिनट कांस्टेंट रन करके बस गाड़ी बंद कर दो, काम ख़त्म। हर 500 किलोमीटर पे करने का है, याद रखो। अच्छा खासा 5-6 मिनट छोड़ा मैंने चेन को, डस्ट ऑयल सब निकल गया नीचे। अभी इसको क्या है अच्छे से साफ़ करने का, देखो बताता हूँ। मेरे पास तो कपड़ा है, अगर आपके पास ब्रश है तो ठीक है, ब्रश से भी। चेन साफ़ करते समय आराम से, गलती से भी आप लोग गाड़ी चालू करके चेन साफ़ मत करना। आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, आप देखो, फ़ोटो या वीडियो मिलेगा तो दिखाता हूँ। मेरा ये हाथ का पूरा ये हिस्सा छिल गया था, कट गया था, इधर क्या है स्ट्रक हो गया था उंगली। टावल से क्लीन कर रहा था चालू करके, क्लीन करते करते कब टावल फंसा, कब उसके साथ हाथ गया पता ही नहीं चला। देखो बाबा चेन एकदम पूरा साफ, आपको दिखाता हूँ, ये हाथ देखो साफ है, जैसा तो भी एक दाग नहीं, तो उसका मतलब है चेन एक नंबर क्लीन हो गया, लूप मारने का बारी है। चेन लूप को मारते समय सेंटर में मारो, बस साइड में मारने का ज़रूरत नहीं है, जो पार्ट फ्रिक्शन में आ रहा है उसी पे मारे तो बहुत है। और चेन लूप गाड़ी चालू करके मारने का कोशिश करो, हाथ दूर रखो, सेफ्टी पहले। अभी क्या है, चेन का क्लीनिंग भी हो गया और चेन लूप भी मार दिया। एक 5 मिनट गाड़ी चालू रखता हूँ, क्योंकि हर पार्ट को लूप होना चाहिए ना, चेन स्प्रॉकेट सब में लूप हो जाना चाहिए, इसलिए एक 5 मिनट चालू रखो। सब काम बढ़िया से हो गया, आपको एक चीज़ दिखाना है, कल ही मैंने इंस्टॉल किया है, दिखाता हूँ रुको। मोबो कंपनी का मोबाइल होल्डर है, विद चार्जर है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल हुआ इसको फिट करने में। इसका वायर यहाँ से टंकी के नीचे से जाकर बैटरी को कनेक्शन दिया उन्होंने, पर इधर एक स्विच था हज़ार फ्लैशर का स्विच, तो उसको मैंने यहाँ बिठा दिया, यहाँ पे बिठाया ठीक है, और यहाँ पे जो है फिट नहीं हो रहा था इसके पीछे क्लैंप, तो इसको क्या करना पड़ा, एक ही साइड का नेट बिठाया मैंने और एक साइड का बोला रहने दो, अगर क्लैंप मिलता है तो देखता हूँ। ये देखो नट यहाँ बिठाया नहीं है, टाइट बैठा है फिर भी, पर ये भी मिरर्स को प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए मिरर्स निकालना पड़ा मुझे। कभी आगे कोई अच्छा वाला क्या बोलते हैं बार एंड मिरर्स, मतलब जो हैंडल पे लगते हैं वो मिलेगा तो ले लूँगा। तो बाबा लोग बस इतना ही आज के लिए, अगर ये वीडियो पसंद आए तो हिट दैट लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर रहे बिना मत जाना, अगर अच्छा लगे चैनल तो सिर्फ। तो चलो मिलते हैं फिर, पीस।